किसी की मृत्यु के बाद क्यों करते हैं तेरहवीं? तेरहवीं करने के पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण? जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद कई रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तेरहवीं वाले दिन पूरे धर्म कर्म से पिंडदान किया जाता है और इस दिन 13 ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से उस मृत व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही यमलोक के मार्ग में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इसकी इतनी महत्ता है। चलिए अब आपको वैज्ञानिक कारण बताते हैं। एक शोध में 13वीं मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी सामने आया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 13 से अधिक उदास रहता है तो वो डिप्रेशन की चपेट में लंबे समय तक कैद हो जाता है, जिससे फिर बाद में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस शोध के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को 13 दिन के भीतर शोक से निकलना जरूरी होता है। ये निष्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य संस्थान यानी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में हुए अध्ययन से निकला है। आपको बता दें कि इस संस्थान ने WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और अमेरिकन फाइचियाट्रिक सोसाइटी द्वारा इस पर विस्तार से अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान पता लगा कि मनुष्य के उदास रहने की अधिकतम सीमा 13 दिन होती है। इस 13 दिन की सीमा के अंदर अगर किसी व्यक्ति को उदासी और शोक से न निकाला जाए तो वो मानसिक रूप से रोगी हो सकता है। यही वजह है कि मृत्यु के बाद 13 दिन सुनिश्चित किए गए हैं। इसी कारण से हिंदू धर्म में ये परंपरा को खास माना जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति के परिवारजनों को अपने रोजाना के कार्य आरंभ करने होते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को या सभी लोगों को अपनी संस्कृति या नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और कुंडली टीवी के माध्यम से आप सब तक समय समय पर हर प्रकार की जानकारी पहुंचाई जाती है। इसी तरह आज हम बात करते हैं 13वीं के बारे में कि जब कोई परिवार से चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो 13वीं कर्म क्यों करते हैं, 13वीं करने से क्या लाभ होता है। वैसे उस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप श्रीमद् गरुड़ पुराण उठा ले, यह बहुत अन्य पुराण है। मृतक कर्म बहुत विस्तार से बताया गया है, बहुत विधि से करना चाहिए, क्योंकि मृतक कर्म में अगर छोटी छोटी सी गलतियां होती रहें, भूल होता रहे, तो उसका भुगतान सारी जिंदगी करना पड़ता है। हम लोग अक्सर दर्शकों से कहते हैं कि अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो उनका जीते जी बहुत विधि पूर्वक श्रद्धा से भाव से सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु उपरांत उनका दाह संस्कार से लेकर हर क्रिया बहुत विधि से करना चाहिए और बहुत विस्तार से करना चाहिए। जो माता पिता सारा जीवन हमें दे देते हैं तो कई बार समाज में शायद 10 दिन तक का विभक्त कुछ लोग शायद नहीं निकाल पाते, इसीलिए अब रिवाज हो गया है चौथे वाले दिन उठाला कर देना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दर्शकों, मैं यहां पर कहना केवल यह चाहता हूं, जितना का हमने पढ़ा है, जितना हमने शोध किया है, कि अगर मृतक कर्म किसी परिवार में विधिवत नहीं होता, शुद्धता से नहीं होता, तो समझ लो कि आने वाले समय पर खुद को भी, आने वाले पीढ़ियों तक को भी इफेक्ट करता है, परेशान करता है। तब ना कोई उपाय काम करता है, ना कोई पूजा पाठ काम करता है, किसी चीज का असर नहीं हुआ करता। इसलिए मृतक कर्म बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। और अभी भी कई ऐसे राज्य हैं, आप साउथ, जम्मू कश्मीर, उत्तर मध्य भारत, बहुत अनेक राज्य हैं जहां मृतक कर्म बहुत विधि से करते हैं। यहां तक कि मासिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध, त्रैपाक्षिक श्राद्ध से लेकर के बहुत विधि विधान से किया जाता है। 13वीं का विधान जो है, 13वीं क्यों की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर मैं और देना चाहूंगा आपको। बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे अपवाद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे समाज में प्रचलित हो चुकी हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्षी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, खासकर हमारे पंजाब आदि में, अन्य कई राज्यों में आपने सुना होगा, चाहे किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो सीधे कहते हैं जी सवा महीने यानी 45 दिन का सूतक लग गया है इसको, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 45 दिन का सूतक लगता ही नहीं है इन दोनों कामों में। जन्म का सूतक तो और बहुत कम होता है, लेकिन मृत्यु के सूतक के बारे में बात करते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है,
जो प्रथम वर्ण और ब्राह्मण है उसके यहाँ 10 दिन का सूतक बताया गया, क्षत्रिय के यहाँ 12 दिन का, वैश्य के यहाँ 15 दिन का, और चौथे वर्ण के यहाँ 1 महीना का सूतक, 30 दिन का सूतक बताया गया है। सवा महीने तो किसी को नहीं बताया गया। तो एक तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, 10वें दिन जैसे शुद्धि बताई ब्राह्मण वर्ण के लोगों के यहां, तो 10वें दिन सूतक निवृत्ति हो जाती है, लेकिन शुद्धता 10वें के बाद एकादशा 11वें दिन, द्वादशा 12वें दिन, और फिर 13वें दिन 13वीं की जाती है। कई अन्य राज्यों में अपने कुल रीति के हिसाब से 16वीं भी करते हैं, 16वें दिन की सारी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन लगभग देश में 13वें दिन ये विधान किया जाता है, 13वें दिन की विधि की जाती है। दशा 10वें दिन सूतक निवृत्ति के बाद 11वें दिन एकादशाह की विधि की जाती है। एकादशाह कर देने से मृतक को सदगति प्राप्त हो जाती है, अन्यथा ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी इफेक्ट करती है। कई बार हम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पाते, उतना समय नहीं दे पाते, और हम सभी अपने व्यापार या अन्य कामों की वजह से नहीं समय देते, नहीं ढंग से कर पाते, तो वही व्यापार और वही जीवन में उस चीज का इफेक्ट हमेशा पड़ता रहता है। इसलिए दर्शकों, ये कर्म बहुत ढंग से करना चाहिए। भगवान की पूजा में अगर छोटी सी कमी हो जाए तो उसकी माफी मिल जाती है। मृतक कार्य में, पितृ कार्य में कमी नहीं होनी चाहिए, पितृभक्त होना चाहिए। 11वें दिन एकादशा, 12वें दिन द्वादशा, सपिंडी आदि की जाती है। पिंडदान का बहुत महत्व है, ये बहुत बड़ा विस्तार का मुद्दा है, हमने यहां संक्षिप्त में जानकारी आपको दी है। और 13वें दिन 13वीं जो विधि की जाती है उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, 13वें दिन ही पूरी तरह से शुद्धता प्राप्त होती है घर परिवार या हमारे कुल को, और 13वें दिन के ही दान निवृत्ति से, जो हम दान करते हैं, ब्रह्म भोज आदि करते हैं, उसके प्रभाव से, उसके महत्व मात्र से ही जीव आत्मा को सदगति मिलती है और उसे अन्य योनि में जाने योग्य माना जाता है, ऐसे लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, तब वो किसी अन्य योनि को धारण करता है। हालांकि कर्म बहुत बड़ा प्रभाव है, कर्म के अनुसार से सब कुछ आगे का तय होता है, लेकिन 13वीं की विधि बहुत श्रद्धा विश्वास से करनी चाहिए। 13वें दिन की विधि कर देने से ही एक तो घर में शुद्धि पूर्णतः तब होती है और मृतक आत्मा को उस दान पूर्ण ब्रह्म भोज के प्रभाव से सदगति प्राप्त होती है। उस दिन 13वीं विधि बहुत ढंग से करना चाहिए, होम यज्ञ आदि करके दान पुण्य और विधिवत ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों का पांव आदि धो करके ब्रह्म भोज कराएं, यथाशक्ति जो आपका सामर्थ्य दान पुण्य कीजिए। हालांकि उसमें अलग अलग दान बताया गया है गरुड़ पुराण में। तो इस दिन 13वीं की विधि कर देने से एक तो सदगति प्राप्त होती है मृतक आत्मा को और परिवार में पूर्णतः शुद्धि प्राप्त हो करती है। तो आज ये 13वीं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी थी। मैंने पहले भी कहा यह बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए केवल पितृभक्त होना चाहिए, सबसे पहले पितृभक्त होना चाहिए और मृतक कर्म बहुत ढंग से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।